दादू से आसिफ रजा की रिपोर्ट। दादू सिविल अस्पताल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का दौरा। दादू सिविल अस्पताल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा राशिद हुसैन रिजवी का दौरा। राशिद हुसैन रिजवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अस्पताल की करोड़ों की बजट होने के बावजूद भी आवाम सहूलतों से महरूम है। यहाँ पर ना पीने का पानी है और अगर लाइटिंग है तो इस वार्ड में पंखे नहीं हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी एक सहाफ़ी बनकर काम कर रहे हैं। करोड़ों के बजट का किसी के पास कोई जवाब नहीं। मजीद रहनुमा राशिद रिजवी और ग़ुलाम मुस्तफ़ा रिजवी ने कहा कि हम दादू की आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। MS अमजद मस्तोई से कोई पूछने वाला नहीं है। अस्पताल में बिजली होते हुए भी लेबॉरेटरी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह। मरीजों को बाहर से टेस्ट करवाने और दवाइयां लाने के लिए कहा जाता है। 70 डॉक्टर होने के बावजूद भी अस्पताल में सिर्फ 7 डॉक्टर्स मौजूद हैं। सरकारी डिस्पेंसरीज भी वीज़ा पर लगे हुए हैं। प्राइवेट डिस्पेंसरीज काम कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। अगर नाअहल करप्ट MS अमजद मस्तोई को बरतरफ करके इंक्वायरी ना की गई तो फिर आवाम की तर्जुमानी करने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जल्द अपना अगला लाहे अमल तय करेगी।